आबू में आकर यज्ञवत्सु को ऐसा आभास हुआ कि इस अलौकिक जीवन में कोई और अलौकिक पार्ट शुरू होने वाला है। इस अद्भुत सृष्टि चक्र में कुछ विशेष दृश्य से शीघ्र ही पर्दा उठने वाला है। प्यारे बाबा प्रतिदिन बताया करते थे कि डॉक्टरों, वकीलों, जज व व्यवसायियों आदि को ये ज्ञान किस प्रकार समझाना है। बाबा कहते थे, इस ज्ञान से आप छोटी छोटी कन्याएं योग में स्थित होकर बड़े बड़े विद्वानों और दिग्गजों को भी मात दे सकती हैं, और जो लोग स्वयं को ही ईश्वर मान बैठे हैं उन्हें आप ईश्वर के आगे झुका सकेंगी। आप शिव शक्तियां ही इस विश्व ड्रामा में सब आत्माओं को अज्ञान नींद से जगाने के निमित्त बनी हुई है। इसीलिए उठो, जागो, भक्त आप देवियों का हे जग जननी, हे शक्ति माँ कहकर आह्वान कर रहे हैं। अब यज्ञ स्थल को छोड़कर आपको गांव गांव, नगर नगर, गली गली ईश्वरीय सेवा के लिए जाना होगा। बाबा की ये ललकार सुनकर यज्ञवत्सों को एक बार ये संकल्प उठता कि क्या हमें अपने प्यारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बिछुड़ना होगा, जिसके लिए हमने संसार छोड़ा, देहिक संबंधों से मुख मोड़ा, क्या अब हमें उनसे दूर रहना होगा। उनके दिल में एक तरफ प्रेम और दूसरी तरफ ज्ञान का संग्राम चलता, किंतु अगले ही क्षण उनका ईश्वरीय कर्तव्य उन्हें सेवा के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता। बाबा मुरली में प्रतिदिन स्पष्ट रूप से ये शिक्षा देने लगे कि आप ज्ञान गंगाएं बनो और अपनी योग शक्ति का जलवा दिखाओ। जो कुछ सीखा है अब उसका सबूत दो। जिन्होंने इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से सीखा होगा वही औरों को भी समझा सकेंगे। अब आपके अज्ञातवास का समय पूरा हुआ, अब आप सोए हुओं को जगाओ। बाबा कहते, बच्चों, ये अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ से अश्व निकलेंगे जो सारे विश्व की परिक्रमा करेंगे। वह अश्व कोई और नहीं, आप ही हो। अब शंख ध्वनि करो। आपको ईश्वरीय वरदान मिला हुआ है कि अंत में आपकी ही विजय होनी है। आपकी ज्ञान गजगोर से भारत की जनता जागेगी और एक दिन आएगा जब आपकी उच्च धारणाओं का जयगान होगा। ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर सब बच्चों का जीवन ऐसा हो गया था जैसे एक बीज पहले अंकुरित होकर कली, फिर फूल व फल बनकर अनेकों की सेवा में काम आता है। जैसे सागर का जल सूर्य के प्रकाश और गर्मी से उड़कर आकाश में बादलों का रूप ले लेता है और फिर बरसकर भूमि को हरा भरा कर देता है, वही समय अब आ गया है। ईश्वरीय ज्ञान और स्वयं को जानने की कितनी आवश्यकता है। पवित्रता रूपी धर्म का पालन करना कितना जरूरी है। आत्मनिश्चय बिना मानव जीवन कौड़ी तुल्य है, और आने वाले महाविनाश के पहले भविष्य श्रेष्ठ बनाना कितना आवश्यक है। मुख्य रूप से इन विषयों पर सेवा करने के लिए संवाद बनाए गए। इसके अतिरिक्त कल्प वृक्ष, सृष्टि चक्र, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, रुद्रमाला, वैजंती माला के चित्रों पर समझाने, ज्ञान भक्ति वैराग्य के रहस्य को स्पष्ट करने, परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी और अवतरण का समय समझाने की भी शिक्षा बाबा ने दे दी थी। समाचार पत्र और रेडियो द्वारा बाबा को ये समाचार तो मिलता ही रहता था कि संसार में क्या हो रहा है अथवा कौन विशिष्ट व्यक्ति क्या कर रहा है। बाबा अक्सर उन विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र व तार भेजकर उनका भी कल्याण करने, उन्हें ईश्वरीय संदेश देने व ईश्वरीय सेवा के कार्य में किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनाकर उनका भी भाग्य ऊंचा बनाने की कोशिश करते थे। देश विदेश के सामान्य लोगों को भी ईश्वरीय ज्ञान से परिचित करने के लिए बाबा ने अनेक पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में बहुत सुंदर छपा हुआ साहित्य, कल्प वृक्ष और सृष्टि चक्र के चित्र तथा ईश्वरीय निमंत्रण भेजा। ये सब चित्र दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि द्वारा बनाए गए थे। बाबा इन चित्रों को बहुत अनमोल बताते थे
और कहते थे, ये चित्र अंधों के आगे आईना है, ये चित्र आत्माओं के जन्मों की कहानी बताने वाली जन्म पत्री है तथा जीवन की पहेली को हल करके विश्व स्वराज्य की चाबी अथवा लॉटरी दिलाने वाली ईश्वरीय सौगात है। अब अनेक ब्रह्मावत्स, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में और कोई दक्षिण में जाकर ईश्वरीय सेवा में तत्पर हो गए। 14 वर्ष ज्ञान यज्ञ कुंड के भीतर रहकर योग तपस्या करने के बाद बाहर लोगों के पास जाने का उनका ये पहला अनुभव था। कई ब्रह्मावत्सों ने लौकिक संबंधियों के निमंत्रण पर भी ईश्वरीय सेवा करने की योजनाएं बनाई। यज्ञवत्सों को बाबा का आदेश था कि कभी भी किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा का विशेष ध्यान भारत की राजधानी दिल्ली पर था। बाबा कहते, यहाँ से ही सतयुगी राज्य की कलम लगनी है। दिल्ली कमला नगर में यज्ञ का पहला सेवा केंद्र खुला। कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर आदि कई स्थानों पर वहाँ के लोगों के निमंत्रण पर ईश्वरीय सेवा केंद्र खुलते गए। उन्हीं दिनों इलाहाबाद में कुंभ के मेले में जाने का भी निमंत्रण प्राप्त हुआ, जहाँ एक ओर जल गंगा बह रही थी तो दूसरी ओर ज्ञान गंगा। देवी बहन ने अपने प्रवचनों में लोगों को कुंभ तथा संगम का वास्तविक परिचय देती और उन्हें पुरुषोत्तम संगम युग की पहचान देती। ऋषिकेश से भी विश्व शांति धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव ने ज्ञान यज्ञ की शाखाओं के द्वारा धीरे धीरे फिर से भारत में प्राय लोप हो चुके आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य करना आरंभ कर दिया। ओम शांति।